हिंसा की आग ब्रिटेन में भी देखी जा रही है, क्योंकि कई शहरों में जबरदस्त हिंसा और आगजनी यहां पर हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह दुकानों में लूटपाट की है। अब तक 100 से ज्यादा लोग यहां पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें आपको, 3 बच्चों की मौत के बाद ये हिंसा शुरू हुई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। देख रहे हैं आप, ब्रिटेन की सड़कों पर भी कोहराम बरपा है। अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रिटेन के रॉटरहैम की, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। देखिए इन तस्वीरों में कैसे प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर रहे हैं, जिसके जवाब में पुलिस ने यहां पर किया है लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी भी की। तो ब्रिटेन में हिंसा की जो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, ये लिवरपूल की है, जहां प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हिंसक झड़प देखी गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी की, तो हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां लाठी चार्ज तक करना पड़ा। पीएम कीयर स्टॉर्मर ने पुलिस को खुली छूट दी है और कहा है कि हिंसा को काबू करने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े वो आप करने के लिए आजाद है। और अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, दंगों की आग में ब्रिटेन कई दिनों से झुलस रहा है। जगह जगह लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, दंगे की आड़ में दुकानों में तोड़फोड़ और लूट को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, यानी बिगड़े हुए हालात का कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार फायदा उठा रहे हैं। ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन में अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है और बिगड़े हुए हालात का फायदा उठाकर जगह जगह लूटपाट की जा रही है, आगजनी की जा रही है, यानी अराजक तत्व पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दंगों की आग में ब्रिटेन कई दिनों से झुलस रहा है। जगह जगह लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए, दंगे की आड़ में दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा है। ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन में अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री कीयर स्टॉर्मर ने दंगे में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार होगा उसे पछताना पड़ेगा, ये भी साफ कर दिया गया, यानी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन जल रहा है। अब तक के सबसे बड़े दंगे हुए हैं ब्रिटेन में, हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ और डिटेल, 19 शहरों में तनाव बढ़ गया है। 6 दिन से हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 69 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं हिंसा में। इसके अलावा 247 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 13 साल में ये ब्रिटेन में हुआ सबसे बड़ा दंगा माना जा रहा है। हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हैं। कुलदीप सिंह शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार, यूके से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको इन दंगों की, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो अराजक तत्व हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिसकी जो मर्जी हो रही है वो कर रहा है और पुलिस भी उन्हें रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। कैसे बन गए ऐसे हालात? देखिए, ब्रिटेन इस वक्त थोड़े से डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। ब्रिटेन में जो हालात हैं वो एक दिन में पैदा नहीं हुए। ब्रिटेन की जो सरकार की पॉलिसी है, जो नीति है कि वो इमिग्रेशन के मामले में काफी सिंपल है कि भाई हाँ, कोई भी हमारे देश में आएगा उसको बुला लिया जाए, उसको रखा जाए, उसके साथ नरमी बरती जाए, उसके रहने का बंदोबस्त किया जाए। तो जो यहाँ का लोकल नागरिक है, अब उनको महसूस हो रहा है कि हमारे रिसोर्सेज, हमारी संपदा, हमारी जो देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है। लोगों में ये गुस्सा धीमे 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 बढ़ते बढ़ते हालात अब ये हो गए हैं कि जो यहाँ के दक्षिणपंथी या जिनको आप नेशनलिस्ट बोलते हैं वो लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी संपत्ति और हमारे जो राष्ट्र का जो भी कुछ है वो उसके ऊपर दूसरे लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हालात अब इस तरह बढ़ गए, कुछ दंगे हो गए, कुछ लोगों ने मारपीट की। स्टॉकपोर्ट में एक घटना हुई जहाँ पर 3 बच्चों को स्टैब किया गया, वहां से ये घटनाक्रम बढ़ गया
और अब हालात ये है कि करीब करीब 5 बड़े शहरों में ये ज्यादा दंगा फैला है जी, जिसमें लिवरपूल एक बड़ा शहर है, मैनचेस्टर के पास बहुत कुछ हुआ है, बोल्टन में बहुत कुछ हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर काम करे कि भाई इमिग्रेशन पॉलिसी हमारी लिमिटेड होनी चाहिए, जो पिछली सरकार कर रही थी जी। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद हालात थोड़े से चेंज किए हैं और उस सिचुएशन में यही होना था कि जो यहाँ के लोग थे जिनको लगा कि भाई हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा देश, जो जो ये राष्ट्रवादी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ब्रिटेन में सिर्फ हम रहें, वो लोग अब पूरे जोर से उससे आगे आ गए और वो अब ये चाहते हैं कि हमारे देश की संपदा पे हमारा हक होना चाहिए। ये विदेशी जो बाहर से आए हैं, जिनमें इनका मेन जो जो फैक्टर लग रहा है वो सिर्फ इस्लामिस्ट लोगों की तरफ लग रहा है, वो इस्लामी फोबिया को मानने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ये हमारे देश में आके हमारी सभ्यता के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारे साथ जुड़े जी। लेकिन जो हालात हैं वो ये हैं कि वो लोग जुड़ते नहीं हैं, वो लोग शरिया लॉ लाने की कोशिश करते हैं इस देश में, इस देश में शरिया कोर्ट पैदा हो गए हैं। कुलदीप जी, इस मामले में पुलिस का तो बाकायदा स्टेटमेंट आया, जब हालात इस कदर बेकाबू हुए तो जो 17 साल का आरोपी है 3 बच्चियों की हत्या जिसका आपने जिक्र किया, वो पकड़ा भी जाता है, उसकी पूरी डिटेल भी बताई जाती है, वो मुसलमान नहीं था ये तक कहना पड़ता है पुलिस को, उसके बावजूद भी थ्योरी यही क्यों चल रही है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं मतलब सर, और ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस जो ये घटनाक्रम अभी हालिया पेश आया है, इसको एक तरीके से ढाल बनाकर ये प्रदर्शन किया गया है, इसको लेकर उबाल पहले से था लोगों का, जो ये माइग्रेट होकर लोग यहाँ आ रहे हैं वो गुस्सा है जो अब सड़कों पर फूट रहा है। जी सच यही है कि काफ़ी समय से ये चल रहा है और जो ब्रिटेन में बोट्स आती हैं फ्रांस की तरफ से, उनके खिलाफ काफ़ी कुछ पहले भी हुआ है कि भाई बोट्स को रोका जाए ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, अच्छा मेजोरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो इस्लामिक देशों से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उस चीज़ के खिलाफ यहाँ की जनता अपने आप खड़ी हो गई है, इसमें किसी ग्रुप या किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, जनता खुद अपने आप खड़ी हो गई और उनका मानना है कि इस्लामिस्ट लोग जो हैं वो इस देश को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, शरिया लॉ यहाँ पर लाना चाहते हैं। इस माहौल में अब ब्रिटेन में ये आग रुकेगी नहीं अनलेस अनटिल सरकार कुछ इस तरह के कदम उठाए कि जिससे कि इन लोगों को ये लगे कि भाई ये सरकार अब इस मामले पर काफी गंभीर है। और कुलदीप जी, अभी सरकार का रुख क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चीजों को हैंडल करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम तो लगातार देख रहे हैं ये आग बढ़ती ही जा रही है और भी शहर जो हैं वो इस दंगे के जद में आते दिख रहे हैं। सरकार 3 क्षेत्र में काम कर रही है, सरकार पहले तो एक कह चुके हैं, गियर शार्मर खुद जो हमारे प्रधानमंत्री वो कह चुके हैं कि सभी मॉस्क और सभी धार्मिक स्थानों की सबको सुरक्षा दी जाएगी, तो यानी वो उनकी तरफ इस्लाम के लोगों के तरफ ये कहना चाहते हैं कि भाई आप इस देश में सुरक्षित हैं, आप यहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं है, पहला। दूसरा, सरकार बोट्स को रोक नहीं रही है, बोट्स को नहीं रोक रही है, उससे देश में और लोग आएंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स का ये मुद्दा है, असली मुद्दा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स का ही है, उनको किसी भारतीय से कोई समस्या नहीं है, किसी हिंदू से कोई समस्या नहीं है, किसी सिख से कोई समस्या नहीं है, किसी दूसरी जाति के लोगों से कोई समस्या नहीं है, वो खुला बोल रहे हैं और इसको लीड कर रहे हैं एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये उबाल जो है वो पहले से था और अब वही सड़कों पर नजर भी आ रहा है। सुमित, कियर स्टॉर्मर के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, आपने कार्यभार संभाला और उसके बाद ब्रिटेन से ये तस्वीरें जो सामने आ रही है दुनिया भर के सामने। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि अभी दो आपने अभी बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में भी कब शुरू हुआ 2018 से, और अगर लंदन की बात करें, फिर ब्रिटेन की बात करें, उसमें भी ये पूरा उबाल, क्योंकि आप कह रहे थे कि लंबे समय से 2018 से भी यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होने, इसको लेकर मूवमेंट शुरू हो गया था, और अभी ये हालात हैं कि 2004 की अगर बात करें जहाँ पर ये पॉपुलेशन जो थी माइग्रेंट्स की वो करीबन 5 मिलियन थी, वो अब बढ़कर 2018 में 10 मिलियन के करीब हो चुकी है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि ज्यादातर ये सभी जो बाहर के लोग आ रहे हैं ये ब्रिटेन के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया, क्योंकि उनके एजुकेशन सेक्टर के अंदर, उनके हेल्थ सेक्टर के अंदर, उनके प्राइवेट जॉब्स के अंदर लगातार उनके स्पेस जाता जा रहा, और यही लगातार इसके लिए मास मूवमेंट का बड़ा कारण भी बन गया है। हालांकि सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा आप कह सकते हैं चैलेंज है, लेकिन इसके लिए सरकार को ना सिर्फ अपनी पॉलिसीज बल्कि आप देखें कि आसपास की कंट्रीज में भी, चाहे वो पोलैंड हो, जर्मनी हो, उन कंट्रीज के अंदर भी, बिल्कुल सही बात है, बहुत पड़े, और यहाँ भरोसे की कमी ही सबसे ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है, जिसका नतीजा हमें इस वक्त ब्रिटेन की सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है।